चूरू में विदेश भेजने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां फर्जी एजेंट ने विदेश में अच्छी कंपनी और अच्छी पगार का हवाला देकर न सिर्फ बेरोजगार युवाओं के सपनों को कुचला है, बल्कि उनसे मोटी रकम लेकर उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जहां ना कोई उनके रहने का ठिकाना है और ना खाने का। सऊदी अरब के जेदा में फंसे चूरू सहित प्रदेश के 8 युवा अब विदेश से वतन वापसी की वीडियो जारी कर गुहार लगा रहे हैं, तो लाडलों के इंतजार में अब बूढ़े माँ बाप की आंखें भी पथराने लगी है। पिछले 2 साल से सऊदी अरब के जेदा में फंसे चूरू के वार्ड 33 के अल्ताफ व वार्ड 37 के सुलेमान के परिजनों ने बताया कि करीब 2 साल पहले खंडेला के एजेंट ने दोनों युवकों से 1.5 लाख रुपये लेकर सऊदी अरब के जेदा भेजा था। सलाम अलैकुम। हाँ भाई, हम राजस्थान से हैं, 8 बंदे। राकेश भाई खंडेले का विसायती हम 8 को भेजा था सऊदी अरबिया, तो हमारे से उसने 1,15,000 रुपए लिए हैं प्रति बंदे से, और वो बोलता है कि मेरे पास लाइसेंस है एजेंट बनने का। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। उसने बोला कि सऊदिया में मेरा ऑफिस वाला है, वो आपसे मिल लेगा। जब हम उससे मिलने गए तो वो बोला कि हम कोई रकीब खंडेला को नहीं जानते हैं, और इधर हम 2 साल से परेशान हो रहे हैं, ना हमारे पास कोई अखामा है, ना कोई कंपनी का प्रूफ है, और ना हमारे पास कोई खाने का पैसा है। जब उसको फ़ोन करते हैं रकीब खंडेला वाले को, तो हमारा फ़ोन नहीं उठाता है। तो हम बहुत परेशान हैं, और इंडिया गवर्नमेंट हमारी मदद करे और रकीब खंडेला पे कार्रवाई करे, उस पर CBI जाँच लगवाए, और हर विधायक हर मंत्री तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि रकीब खंडेला पे CBI जांच हो। वो कोई काम नहीं करता है, ये एजेंट का काम करता है और 2 नंबर का काम करता है। इधर उसके जितने भी बंदे भेजे हुए हैं वो यूं ही इधर परेशान होते हैं और जेल में जाके वापस इंडिया चले जाते हैं। वो किसी को कोई पैसा नहीं देता है। तो मेरी इंडिया गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि उस पर CBI जाँच हो। वो हमारा फ़ोन नहीं उठाता है, और रकीब खंडेले के नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, उन नंबरों पे आप बात कर लेना, 9829618861। ये रकीब खंडेले का नंबर है, मोबाइल नंबर। ना उसके पास कोई भी का है, बाहर गाँव गया हुआ है, वो वहाँ फंसा हुआ है। एक एजेंट खंडे लगा, उन्होंने भेजा उनको, तो वहाँ 2-2.5 साल से फंसा हुआ। MSC के चक्कर लगाते हैं, वहाँ कोई सुनाई नहीं करते उनकी, और 2 साल हो गए ना उनको, कोई ग्रुप दिया वैसे छुप छुप के रहे वो। अब ना उनको खाने के लिए, अब हम बिल्डिंग के बाहर भी निकाल दिया उनको, हम भेजते तो हमारे कुछ करने के लिए भेजते वहाँ सऊदिया के। तो उन्होंने एजेंट बहुत फर्जी काम किया हमारे साथ के अंदर, पैसे भी ले लिए और ऐसे कहा कि हम तुम्हारे लड़के को अच्छी जगह भेजेंगे। मेरा लड़का गया हुआ है सलमान सुलेमान, तो रकीब खंडेला वाले ने भेजा था, तो फर्जी विजय में फंसा दिया उनको। और MSC में जाते हैं तो कंपनी के पास भेजते, कंपनी भेजती है MSC में, कोई वसूल नहीं है उनका, कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। परेशान, बहुत परेशान है वो, के लिए नहीं है न रिवाज है उनके पास। फॉरमैन बोलता है कि मेरी आवाज खाली कर दो, आप रोड पे जाओ, तो रोड पे कोई रिश्तेदार नहीं, किसके पास जाए। नमस्कार सभी भाइयों को, मैं सुलेमान का छोटा भाई हूँ। मेरे भाई सुलेमान, वो 2 साल से बाहर है, खंडेला का एजेंट है, लेकिन उसने उसको बाहर भेजा था। अब वो बड़ी दुख मुसीबत में, और हम कलेक्टर से और जिला अधिकारी से अपील करते हैं उनको बुलाया जाए, और ये हमारे भाइयों बिना कैसे ही, तुम्हारे सब कुछ ऐसे ही है, हमें खाना पीने मुश्किल हो रहा है, वो वहाँ पे दुख में हम कैसे खा सकते हैं। तो हम सभी से अपील करते हैं कि आप कुछ ना कुछ करें और उनको यहाँ पे बुलाया जाए। भाई सऊदी फंसा हुआ है 2 साल से, कंपनी उनको बोल रही है कि सैलरी भी नहीं देती है, और बिल्डिंग से भी बाहर निकाल दिया उनको, रहने के लिए भी नहीं दे रहे और खाने के लिए भी नहीं दे रहे। फर्जी एजेंट था खंडेले का, रकीब नाम है उसका, जो सीकर जिले में पड़ता है खंडेला, वहाँ का रहने वाला है। और MSC में भी जाके आते हैं वो लोग रोज, तो MSC वाले बोलते हैं आपका 10 दिन में हो जाएगा, 11 दिन में हो जाएगा, 12 दिन में हो जाएगा। कंपनी पे केस भी किया हुआ है उन्होंने, उसका भी कुछ नहीं निकला सोल्यूशन वहाँ पे। अब बहुत ज़्यादा परेशान है वो लोग, उनके बाहर बैठे हैं, कोई देता है तो खा लेते हैं, बस ऐसे चल रहे हैं वहाँ पे। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में है वो लोग। चोरू से ETV भारत के लिए नरेश पारिक।